सॉलिड अपनी जगह अपनी जगह अपने आप नहीं बदल पाएगा, सॉलिड का कोई मॉलिक्यूल नहीं बदल पाएगा, लेकिन लिक्विड का मॉलिक्यूल बदल सकता है, लिक्विड अपनी जगह नहीं बदल सकता। ग्लास बंद पानी ग्लास बंद रहे कैसे थोड़ा बोलो सीधा जगह अपने पड़ तो मसल नहीं, लेकिन ग्लास के अंदर के मॉलिक्यूल जो है पानी के वो अपनी जगह बदल सकते हैं। So the liquid molecules have more freedom to move. So they have more kinetic energy. Solid molecules have lesser freedom to move. So they have lesser kinetic energy. Is everybody getting this? Is there any problem in this? सब कुछ समझ में आ रहा है? आता है क्या पूरे का हुई? The liquid जब molecules में आजू नीट के बिलो। तब क्या हुई? Gas में convert हो जाती है ऐसा होता है हमारे कि हर एक molecule को इतना heat energy मिलता है उसको बाजू वाले मॉलिक्यूल्स ने इसका हाथ पकड़ के रखा है, वो उसको ऐसे मतलब प्लेट में धीरे धीरे फिर गए प्रॉब्लम है, लेकिन छोड़ भी नहीं रहता तुम्हारे सो ले को कोई जरूरत नहीं। एक और पॉइंट अंदर का इसकी एनर्जी मिल गई तो पक्के के शांत कर रहा था काउंट में अंदर इट इज फ्री इट इज गुड अरे वो पूरी चीज क्यों दे प्रेशर कुकर पानी पानी की बात होती ना इसी वजह से सिटी और कई बार पाया होता है। So basically क्या होता है? तो सॉलिड के मॉलिक्यूल के पास फ्रीडम कम है और काइनेटिक एनर्जी कम। लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास फ्रीडम है लिक्विड के अंदर घूमने का, लिक्विड छोड़ के जाने का फ्रीडम नहीं है। और गैस के मॉलिक्यूल के पास हर फ्रीडम है, वो कहीं भी जा सकता है और कितनी भी स्पीड से जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, उसको कोई नहीं रोकता। Every particle will attract every other particle with a force
proportional to product of their masses. M1 and M2 the product characterization proportional. And the force is inversely proportional to square of the distance. My distance R is L, so 1 upon R square of proportional. मतलब क्या होगा कि ये पार्टी का इसको खींचेगा, मैं इस दीवार को खींच रहा हूँ, ये दीवार मुझे खींच रही है, बस बात इतनी है कि हम लोगों पास इतना कम है कि हमारा फोर्स बड़ा कम है, इस कंपेरिजन में अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसका पुल हमें समझ में आता है। इधर भी बड़ी गलती है, जब तो इतना स्ट्रॉन्ग रास्ता खींचने का फोर्स तो माना यहाँ गिनती नहीं खींचते था, फोर्स पर नीट लक्ष्य था रास्ता, कारण माना ते फोर्स लक्ष्य था तो सगळ्यात स्ट्रॉन्ग आहे, पण आता याची जी ताकद आहे खेचण्याची ती इतकी कमी आहे आणि अर्थची इतकी जास्त आहे की मी याला नोटीस नाही करू शकत। जैसे अगर ब्राइट लाइट हो उसमें छोटा सा स्पॉट हम लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन अगर लाइट कम हो जाए तो स्पॉट दिखाई देना होता है, जैसे जास्त ब्राइट है तो आपका पटकन मिसते तसे जिस सगळ्यात जास्त फोर्स है आपका पटकन काढतो, इसलिए अर्थ का फोर्स हमें समझ में आता है फील होता है, लेकिन इसका फोर्स फील नहीं होता, लेकिन हर एक पार्टिकल हमें खींचता है, हम हर एक पार्टिकल को खींचते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि हर अर्थ मुझे खींच रहा है, मैं अर्थ को भी खींच रहा हूँ, बिकॉज फोर्स proportional to product of their masses and inversely to square of their distance. That is called as Newton's law of gravitation. Newton's law ka kaam hi kaam kar raha hai. Ata ek color under hamara se yahan pe kya hai ye samajh mein aata hai ki gap kyunki solid ka ek molecule aur dusra solid ka molecule inke beech mein gap kam hai to unke beech mein force of attraction zyada hoga na, mass to kya badal raha nahi lekin abhi distance kam hai to ye force zyada hoga, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल इसको और ये मॉलिक्यूल इसको ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, इसलिए जकड़ के रखेंगे, जब वो हां हल्ला रहता हां हम पर जकड़ते हैं। इधर भी बड़ी गलती, वरना वो लिक्विड अलग अलग शेप दिखाई देगा ना लिक्विड का, बट ऐसा नहीं हो, अगर ये नहीं हिलेगा तो ये भी जगह से नहीं है, और हेम से यार थोड़ा लिक्विड वाले कलर के रहता हां इधर इसको और हां ये तो इधर और डिस्टेंस ऑलमोस्ट डबल हो गया, ये फोर्स 1/4 हो गया, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और इनवर्स हो गया, तो ये 1/4 हो गया, अब ये फोर्स इतना है कि अट्रैक्ट जरूर करेंगे लेकिन जकड़ के रखने का ताकत दे रहा, इसलिए अब ये अगर जगह से नहीं लेगा तो भी ये अपनी जगह से हिल जाएगा, वरना समंदर में कभी वेव्स बनती नहीं, पानी तरंग हो नहीं सकता, नहीं कंटे खाली हो जाता मॉलिक्यूल, जितना जरूर पड़ता इधर का बदल देता है, तरंग खाली और भूत सकता है, कारण एक मॉलिक्यूल में अलग छेदन था अंदर नहीं हलूस दे रहा है, ये जरूरी बड़ी गलती है, ये सॉलिड का प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे को हिलने नहीं है, ये हिलेंगे लेकिन लिक्विड छोड़ के नहीं जाते, गैस में डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि इनके बीच में फोर्स इतना वीक हो चुका है कि वो ऑलमोस्ट जीरो है, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अगर यहां से जाना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, अगर मैं छोड़ना भी चाहूं तो मुझे कोई रोकेगा नहीं, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि भैया तुझे अपनी जगह पे चुपचाप नहीं बैठता ना तो तू यहाँ पे हिलता है, छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन आप ज्यादा हिट होगे तो उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो ये छोड़ के आप कोई रोक भी नहीं सकता। Is everybody okay with this? That is what gaseous state means. Copy this.